रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दलों ने चुनाव को लेकर अपनी अपनी ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी जीत का दावा किया है। चंद्रप्रकाश से बातचीत की हमारे सहयोगी फिरोज ने। चुनाव प्रचार काफी तेज हो चुका है और यहाँ पे हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी लड़ रही है। चंद्रप्रकाश चौधरी खुद हमारे साथ हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि क्या कुछ यहाँ जो मुख्यमंत्री का जो भाषण चल रहा है उसमें साफ तौर पर इन पर टारगेट किया जा रहा है कि आखिर 3 साल में क्या बदल गया कि इनको आंसू को यहाँ पर रामगढ़ की जनता वोट करे। क्या 3 साल में बदल गया कि रामगढ़ की जनता आपको वोट करे? देखिए, जो वर्तमान में जो सरकार है, जो हेमंत सोरेन है, अपने कार्य में जो विफलता आई है, 3 वर्षों में कोई भी उपलब्धि नहीं रहा और जो भी जनता से वादा किया, जो भी झूठा वादा हुआ, जो युवाओं को रोजगार देने के नाम पे 5 लाख नौकरी देने के नाम पे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम, किसानों का ऋण माफ़ करना, इस तरह के कई एक वादे हैं जो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपने बात को, विफलता को छिपाने के लिए किसी पार्टी विशेष पर टारगेट ले रहे हैं, लेकिन 27 तारीख को जो वोटिंग होगा और जो परिणाम आएगा, जो रुझान आ रहा है, उससे वो घबरा चुके हैं। निश्चित तौर पर इस बार मुख्यमंत्री जी का और कांग्रेस पार्टी का यहाँ से हार होगा और अच्छू पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। उद्देश्य से सरकार बना, जो लोग से वोट बना, तो सरकार जनता को मूर्ख बना रहे हैं। हम तो विपक्ष में है और हम सरकार की बात को, जो वादा किए हैं उसको हम लोग याद दिलाने का काम करें सरकार कि आप देखिए आपने कौन कौन सा वादा किया और कौन कौन सा पूरा किया, और उल्टा दूसरे पर आरोप लगाना उनकी मूर्खता। जो उन्होंने जनता को मूर्ख बनाया, इसका जवाब उनको 27 तारीख को मिलेगा। तो पूरी तरीके से संतुष्ट है वो कि यहाँ पे रामगढ़ की जनता 27 तारीख को आंसू कैंडिडेट को वोट करेगी और ये अपने जीत के प्रति दावे कर रहे हैं। न्यूज 11 के लिए रजरप्पा से फिरोज आलम है। चुनाव लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।